हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे क्लास टेंथ नवोदय बैच के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो कि हम कर रहे थे उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये दे रखा है कि राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2, यानी कि 2 से छोटे 5 कोई रैशनल नंबर्स हमारे को लिखने। तो आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, 2 से छोटे रैशनल नंबर्स क्या होंगे, एक तो 1 होगा, एक 0 होगा, एक -1 होगा, एक -2 होगा, एक -3 होगा, बहुत सारे और भी होंगे। आप चाहो तो जितना भी कोई भी नेगेटिव नंबर यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 2 से छोटे ही होंगे। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने मान लो रैंडमली अपने मन से ये बना दिया या -5/4 बना दिया, कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो वो हमेशा क्या होगा, 2 तो पॉजिटिव है उससे छोटा ही होगा। और दो नंबर हम डायरेक्ट ये पता कर सकते हैं 0 और 1, 0 से और 1 के बीच में भी अगर हम फाइंड करना चाहें तो 1/2 आता है, हाफ आता है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका डायरेक्ट ही हमारे को आंसर लिखना है। एक नंबर में कभी ऐसा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 and 1/2। अब मैंने आप लोगों को ये भी पूरा अच्छे से आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 13 बना रखा है इसके लिए कॉन्सेप्ट का, जिसमें पूरा अच्छे से डिटेल में इसको समझाया है। आप पहले वो लेक्चर देख सकते हैं, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन खुद करने का ट्राई कीजिए। उसके बाद में भी नहीं आता तो फिर ये सॉल्यूशन देखिए। तो यहाँ क्या होगा, जब भी ज़्यादा नंबर्स पूछता है ना तो हमारे को मीन मेथड यूज़ नहीं करना, ठीक है। मीन मेथड क्या होता है, लेंथी हो जाएगा, बहुत सारे नंबर्स हमारे को फाइंड करने हैं तो लगभग 4-5 पेज भर जाएंगे आप लोगों के, तो इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर वाला वो फंडा यहाँ पे यूज करेंगे। वो क्या कहता है कि सबसे पहला काम हमारे को करना है सॉल्यूशन निकालने के लिए, दोनों के एलसीएम को इक्वल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के एलसीएम को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैं इसको क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा -4 और नीचे बन जाएगा 10। अब 2 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ये इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमारे को मिल गया माइनस का, जो हमारे पास -2/5 दे रखा था वो एक्चुअल में कितना बन गया, -4/10। उसी तरीके से जो 1/2 है इसके भी डिनोमिनेटर को हम 10 बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर 5 बन गया, सॉरी 5 से नहीं, हाँ 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है तो नीचे बन गया 10। तो ये हमारे पास दो नंबर्स हमारे पास निकल के आ गए, मतलब अभी जो -2/5 था वो -4/10 बन चुका है और 1/2 क्या बन चुका है, 5/10 बन चुका है। अब हमें इनके बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखो अगर हम इससे करने बैठेंगे ना, इसी मेथड से, इन दोनों के हेल्प से, तो हम 10 नहीं फाइंड कर पाएंगे, 7 या 8 ही फाइंड कर पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको ऊपर मैं 2 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये -8/20 बन गया और ये बन जाएगा 5/10 है, तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 10/20 बन जाएगा। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स है वो हम देखो कैसे लिखे। एक तो -7/20, -6/20, -5/20, -- -1/20, फिर इवन 0 भी इसके बीच में आएगा, 0/20 बोल सकते हो जिसको, फिर 1/20, फिर ऐसे --, 9/20। तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स क्या होंगे, इसके दोनों के बीच में लाई करेंगे। अपने को 10 बताने थे, कोई भी 10 बता सकते हैं। अगर आप इससे करते तो देखो क्या होता, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, केवल हम 7 ही फाइंड कर पा रहे थे अगर इन दोनों के एलसीएम। तो हमने क्या किया, इसको फिर से दोनों के डिनोमिनेटर्स को 20 बनाने की कोशिश की। अगर और ज़्यादा चाहिए आप लोगों को जिससे 20 निकालने, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 20 को क्या बना सकते हो, 40 भी बना सकते हो। आई होप ये दोनों एग्जांपल, ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।